जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर चलते हैं, वहां देखते हैं क्या कुछ है। न केवल राजनीति में आदर्श उपस्थित करेगा लेकिन आने वाले समय में भी प्रेरणा देने का काम करेगा। नीतीश कुमार की सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं था लेकिन चुनाव में जनता दल यू का परफॉर्मेंस जो हुआ और उन्होंने ही चुनाव का नेतृत्व किया था तो स्वयं इन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लिया। यद्यपि उनको जरूरत नहीं थी, यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में पार्टी का नेतृत्व नीतीश जी ही कर रहे थे तो उन्होंने समझा, उचित समझा और निर्णय लिया कि हमको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूंकि समर्थन का अभाव नहीं था और इसके बावजूद कि जब उन्होंने निर्णय लिया त्याग पत्र दे देने के बाद, त्याग पत्र देने के पहले और त्याग पत्र देने के बाद जिस ढंग की टिप्पणियां जो लोग हम लोगों के विरोध में खड़े हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे रामविलास जी हों, चाहे दूसरे लोग हों, जिस ढंग की अनावश्यक टिप्पणियां की और नैतिकता का सवाल उठाया था तो उन्होंने उन नैतिकता का उच्चतम आदर्श पालन करके सबके सामने रख दिया और इसी आधार पर मुख्यमंत्री के पद से भी उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उन्होंने केवल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा किया, विधानसभा बरकरार है, हमारे पार्टी का बहुमत बरकरार है और आज हम लोग दावा भी पेश करेंगे और इसके पहले ही भी हमने राज्यपाल जी को सूचित कर दिया था कि हम लोग की बैठक कल होगी और उसमें नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद पुनः आपसे मिलने के लिए दावे के साथ हम लोग आपके पास आएंगे। आज शाम को राज्यपाल जी से समय मांगा गया है और राज्यपाल जी ने से जब समय मिलेगा तो वहां जाएंगे भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। कल की जो बैठक स्थगित कर दी गई, आज दूसरी बैठक आज हुई और आज सर्वसम्मत से माननीय मुख्यमंत्री ने पहले अपने भाषण में अपने त्याग पत्र देने के कारणों के ऊपर प्रकाश डाला और इन बातों का जिक्र विशेष रूप से किया कि राजनीति में कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है और वैसा निर्णय भी लेना पड़ता है जिसे समाज, राजनीति और उच्च आदर्शों का को राजनीति में पालन हो और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके पहले भी उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव तो सर्वसम्मत पास हुआ ही कि आपको यह पार्टी अधिकृत करती है, विधानमंडल की पार्टी जिसको आपको पढ़ करके मैं सुना दूंगा और आपको एक एक कॉपी मिल जाएगी, उनको नया नेता के चयन के लिए अधिकृत किया गया।
तो एक बड़ी बात हुई है बिहार, जेपी लोहिया जय, जेपी गांधी की भूमि है, राजेंद्र बाबू की भूमि है। सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, वशिष्ठ नारायण सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। कल नए नेता का चुनाव किया जाएगा, नए नेता के चुनाव करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर ही डाल दी गई है। आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा गया है और नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो नीतीश कुमार जो अटकलें कल से थी कि उन पर दबाव है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, लिहाजा अब यह तय हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बल्कि उनकी पसंद का कोई और होगा।